अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद फ़हीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लकी इलेक्ट्रिक। ये एक हमारे पास 3 फेस मोटर है 3 HP की, इसको हम वाइंड कर रहे हैं और इसका फार्मूला आपको बताते हैं कि इसके अंदर हमने कौन सी तार डाली है और क्या पिच है इसके, कितने RPM है और कितने इसके अंदर टर्न है। ये हमने इसके अंदर 8, 10, 12 की पिच डाली है और इसके अंदर हमने डाली है तार नंबर 20 और 55 55, तीनों में कॉइल के अंदर टने डाली हैं, तीन कॉइल के अंदर। और इसके अंदर हमने 6 सेट डाले हैं, टॉप बटम इसके कनेक्शन है और 1400 चक्कर के अंदर है ये। और स्टेटर की लंबाई चौड़ाई 3 इंच 3.5 इंच है। इसके अंदर हमने दूसरा सेल डाल रहे हैं, इसके अंदर हमने 6 सेट डालने हैं, दूसरा सेल डाले हैं उसके तीसरा डालेंगे, फिर इसके अंदर ऊपर 3 सेट डालेंगे इसके अंदर हम, तो 3 सेट डालेंगे इसके अंदर। तीन सेट डाल के हम इसके कनेक्शन करेंगे और इसको फिर चेक करेंगे, इसके एम्पायर वगैरह सब कुछ फिर आपको बता देंगे। 3 फेस 3 HP की मोटर है, 1400 चक्कर के अंदर 8, 10, 12 पिच है इसकी। इसके अंदर हमने 6 सेट डाल लिए हैं और 1 सेट से हमने क्रॉस पेपर भी लगा दिए हैं। हमने 6 सेट डले हैं इसके अंदर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 सेट डले हैं इसके अंदर। तीन कोयल का सेट है, 6 सेट है इसके। टावर टाम कनेक्शन है, 1400 RPM में है ये। इस तरह से आप को दिखाते हैं, देखें ये है हमने, ये ये कनेक्शन हमने शुरू करने है। ये पहली लीड है अंदर सेट की, इसको पकड़ना है, ये 1 की, इसकी दूसरी 2 की लीड पकड़ के यहाँ से गिनती करना है 1 से 4, 1, 2, 3, 4, ये 2 की लीड और ये 2 की लीड और 1 की लीड मिलेंगी। फिर उसके चौथे ऐसे 1, 2, 3 और 4, ये चौथे पे ख़त्म हो गया, ये एक सर्किट मुकम्मल हो गया। फिर हमने एक छोड़ के दूसरे से कनेक्शन करना है, उसकी भी ऐसे एक लीड पकड़नी है, फिर 1, 2, 3, 4 इसके साथ मिला देना है, फिर 1, 2, 3, 4 इसके साथ मिलाने हैं हमने। और एक सर्किट हमारा ये मुकम्मल हो गया, एक लीड इधर से बच जाएगी, एक इधर से, फिर हमने दूसरा छोड़ वाला, फिर एक छोड़ के फिर दूसरे से करना है। 3 फेस में कनेक्शन ऐसे ही होते हैं, एक छोड़ के दूसरे से कनेक्शन होते हैं। ये देखें, हम इसको चला रहे हैं, ये चल रही है, इसके अंदर एक ही शरार ड्रोन का लोड ये कंट्रोल, दो के करीब ले रहे हैं हम। मैं प्रोसेस को बता रहा हूँ।